सो गाइस, आज के वीडियो में हम बने हैं पॉलिटिशियंस और हम जा रहे हैं स्ट्रेंजर्स के पास अपनी अतरंगी पॉलिटिकल पार्टीज के वियर्ड प्रॉमिसेस बताने और उनसे वोट्स मांगने। लेट्स सी क्या होता है। नमस्ते भैया जी, बस दो मिनट बात करने हैं आपसे। सो अभी आपको तो पता ही होगा कि अपना लोकसभा का इलेक्शन आ रहा है 2024 19 अप्रैल से। सो हम लोग का पार्टी है, हम लोग ने अभी मुंबई बेस्ड एक पार्टी स्टार्ट किया है, बैचलर्स पार्टी ऑफ इंडिया। सो हम लोग के प्रॉमिसेस बताता हूँ मैं आपको। ऑल सिंगल्स विल गेट एटलीस्ट वन हुकअप पार्टनर ऑन टिंडर। टिंडर पता है आपको, डेटिंग ऐप रहता है। वहाँ पे हर सिंगल, आप अभी आप बताओ, आप शादीशुदा हो? आप शादीशुदा हो, ओके। तो मैं बस आपको बता रहा हूँ कि बैचलर्स के लिए ये है कि ऑल सिंगल, जो सिंगल लोग हैं उन सब के लिए टिंडर पे एक सेटिंग करवा के मिलेगा, ठीक है। दूसरा है कि 50% डिस्काउंट ऑन ओयो रूम्स। ओयो रूम्स पता है ना आपको, ओयो रूम्स पे 50% डिस्काउंट रहेगा। बैठो ना, ये मेरे पीए है, जोरदार मुठमारे नाम का। 50% डिस्काउंट ऑन ओयो रूम्स, 50% डिस्काउंट ऑन अल्कोहल एंड सिगरेट। जो सिंगल लोग हैं उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं रहता है, ठीक है, वो लोग कॉलेज स्टूडेंट्स है या फिर उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं रहता, तो उनके लिए 50% डिस्काउंट ऑन सिगरेट्स एंड अल्कोहल। और ये हम लोग का लास्ट वादा है कि 50% डिस्काउंट ऑन सेक्स टॉयज। जो लोगों को सेक्स नहीं मिल रहा है, सिंगल लोगों को, उनके लिए सेल्फ प्लेजर के लिए कुछ ना कुछ तो साधन होना चाहिए। सो सेक्स टॉयज अभी ये सब बहुत है ना टैबू सब्जेक्ट्स है, टैबू टॉपिक्स है जिसके बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते। बट सर का वही एम्बिशन है कि ये सब टॉपिक्स को लेके लोगों को कंफर्टेबल कराना है और फैसिलिटीज देनी है और बात भी कराना है। अभी सेक्स टॉयज जो है वो एक्चुअल में देखा जाए तो बहुत बेसिक चीज़ है जो हम लोग बात नहीं करते उसके बारे में। जो लोग को सेक्स मिलता नहीं है उन लोग को सेक्स टॉयज के थ्रू भी सेटिस्फैक्शन मिल सकता है। सो हम लोग का वही विजन है कि सिंगल्स को जब हम लोग खुश रखेंगे तभी सब लोग खुश हो जाएंगे। तो हमें वोट करोगे कि नहीं करोगे? नहीं। क्यों? बैचलर दोस्त नहीं है कोई? नहीं, बैचलर नहीं, मेरा एज है 40। 40 से आप लगते नहीं, लगते नहीं हो बिल्कुल। बट आपके दोस्त कोई रहेंगे ना जो बैचलर है? छोटा भाई वगैरह? छोटा भाई आपके फैमिली में कोई नहीं है? अरे यार, तो मतलब ये अपना वोट बैंक ही नहीं है। हाँ। तो आप नहीं करोगे वोट? ये आप पैम्पलेट तो रख लो, एटलीस्ट आपको अवेयरनेस। नहीं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। जय महाराष्ट्र साहब, जय महाराष्ट्र। नमस्ते बाबा, एक बस दो मिनट बात करनी है आपसे। नहीं, नेताजी है, नेताजी आपको अपना मैनिफेस्टो, अपने ये बताएंगे प्रॉमिस इस इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं। मोहित, मोहित नाम है इनका, वर्जिन मोहित। नमस्ते। सो हम लोग के पार्टी का नाम है ताई माई अक्का पार्टी, ठीक है। हर एक फैमिली में एक बहन रहती है, एक मदर रहती है, एक दादी रहती है ना। ताई माई अक्का, सबसे पहला प्रॉमिस है जस्टिस फॉर ताई, मतलब न्याय मिलना चाहिए ताई को। जो बहन है वो हमेशा अपने भाई की वजह से ऐसे परेशानी में आती है, उसको समाज में इस तरह से देखा जाता है कि उसको जस्टिस ही नहीं मिलता है कभी। हर चीज़ में उसका परेशानी झेलनी पड़ती है, उसको फेस करने पड़ते हैं चैलेंजेस। हम लोग का ये बहुत ऐसा प्रोग्रेसिव पार्टी है, वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट मतलब महिलाओं का आरक्षण वगैरह देते हैं? आरक्षण नहीं, और मतलब उनकी बेसिकली महिलाओं को, महिला वर्ग को ऊपर उठाना बेसिकली। अभी दूसरा, एक माँ जो होती है समाज में, माँ को भी बहुत झेलना पड़ता है। अपने पति से सुनो, अपने बेटों से सुनो, अपनी बहू से कभी कभी सुनो। हमारे बहुत घरेलू वादे हैं जो हम लोग लोगों के बेसिकली फैमिली रिलेशंस इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। अभी ये लास्ट वाला जो है सेक्स फॉर अक्का, अक्का जो होती है वो अभी थोड़ा आफ्टर अ सर्टन एज उनको संभोग का मौका मिलता नहीं है, तो वो हम पे लेंगे। मतलब हम कुछ अरेंज करेंगे जिससे उन्हें रेगुलरली सेक्स मिलेगा, संभोग मिलेगा, जिससे उनका भी हेल्दी लाइफस्टाइल चलता रहेगा। ऐसे नहीं कि आफ्टर अ सर्टन एज शी इज़ नॉट गेटिंग एनी एक्शन। और चौथा तो रह गया अपना प्रॉमिस। सो मेन है थ्रीसम फॉर ताई माई अक्का। ये थ्रीसम मतलब क्या होते हैं? तीनों एक साथ संभोग, इस थ्रीसम ताई माई अक्का का एक साथ संभोग, समझ रहे हो? तीनों को सेटिस्फैक्शन। हाँ, इसमें से बताओ ना आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, या फिर आपका कुछ डिमांड है? खाली औरत ताई माई अक्का जो तीनों को जो मैं समझू, सब घरेलू बातें हैं ये जो बाहर नहीं आती है, जो हम लाएंगे बाहर, यू नो, ऐसे मतलब, और इम्प्रूव करेंगे घर के रिलेशंस ताई माई अक्का के साथ, प्लस सेक्स फॉर ताई माई अक्का।
तो आप ये चिन्ह याद रखो बस, ये और हम लोगों ने अभी आपको जो बताया ना हम लोग का ये, वो याद रखो बस। आपके आज रात को सोओगे तो थोड़ा सोचना ताई माई अक्का के बारे में। एंड मेक श्योर यू वोट फॉर थ्रीसम इन लोकसभा 2020, ठीक है? याद रखना, ताई माई अक्का विचार करा पक्का, ठीक है? वोट फॉर थ्रीसम। थैंक यू दादा, पाया पढ़ दो, वोट पक्की रहा। नमस्कार दादा, बस दो मिनट बात करनी है आपसे इलेक्शन से रिगार्डिंग। हम लोग का एक पॉलिटिकल पार्टी है, बस आपको कुछ बात करना चाहते हैं। मेरा नाम वर्जिन मोहित और ये है मेरे पीए जोरदार मुटमारे। हम लोग के पार्टी का नाम है आई एम सॉरी पार्टी, दिस इज स्पेशली फॉर हस्बैंड्स, ठीक है? आप शादीशुदा हो? शादीशुदा हो तो आपको पता ही रहेगा कि हमें आपको हमेशा आपकी बीवी को आई एम सॉरी करना पड़ता है, सही बात है ना? ये स्पेशली फॉर हस्बैंड्स है। हम लोग का वोटर बैंक वो है जो पति है, सो हम लोग का चिन्ह है ये सॉरी वाला, ओके? हम लोग वादे क्या क्या कर रहे हैं मैं बोल रहा हूँ आपको। मिनिमम 2 nights इन अ वीक विद द बॉयज विदाउट वाइफ्स परमिशन। जब भी आपको आपके दोस्तों के साथ पार्टी करनी होती है आपको हमेशा आपकी वाइफ की परमिशन लेनी पड़ती है, सही बात है ना? सो हम लोग इसका लॉ लाएंगे कि 2 nights वीक में मिनिमम आप विदाउट परमिशन दोस्तों के साथ पार्टी कर सकते हैं। दूसरा प्रॉमिस ये है कि एवरी 3 months वाइफ विल विजिट हर पेरेंट्स सो हर हस्बैंड कैन चिल विद हिज फ्रेंड्स। हर 3 महीने आपकी बीवी मायके चली जाएगी 1 हफ्ते के लिए, तो आप आपके दोस्तों के साथ मजे कर सकते हो। थर्ड वादा मेरा ये है कि हस्बैंड्स कैन से तुम अकेले जाओ शॉपिंग पे, मुझे आराम करना है। आप मुझे बताओ क्या आप ये बोल सकते हो? अभी आप बोल सकते हो? तो यही हम लोग की 3 वादे हैं कि तुम अकेली शॉपिंग पे चले जाओ, मुझे आराम करना है। ये सब 3 जो चीज़ें हैं ये हस्बैंड्स की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आपको क्या लगता है, आप जरा आपके थॉट्स बता दो मुझे। बीड़ी से फ्रीडम को चाहिए चाहिए ना, वही तो बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा तो फ्रीडम जरूरी है ना। आप ये सारे पॉइंट्स से सहमत हैं? सहमत है ना, सहमत हो ना। 2 nights तो चाहिए अपने मेल फ्रेंड्स के साथ अपना टेंशन रिलीज करने के लिए। एवरी 3 months बीवी ने मायके जाना चाहिए, है ना? देखो खुशी देखो आपके चेहरे पे कितना, ये सोच के आप कितना खुश हो रहे हो। कार्ड नहीं है, यही है मेरा। हम लोग का एकदम बेसिक है, हम लोग बस क्राउड फंडिंग से अपना पार्टी चला रहे हैं, कोई डोनेशन नहीं दे रहा है, कोई इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं खरीद रहा है। सो इस पे ये याद रखना हम लोग का चिन्ह है ऐसे हाथ जोड़ के हम लोग जो करते हैं। आज अब कभी बीवी को आप सॉरी बोलोगे तो आपको याद आएगा हम लोग। हाँ नमस्ते भैया जी, बस 2 मिनट आपसे बात करनी है इलेक्शन के बारे में। ये मेरे पीए है जोरदार मुटमारे, मैं हूँ वर्जिन मोहित। हम लोग के पार्टी का नाम है ऑल इंडिया कटरीना मूल सेक्युलर पार्टी, ठीक है? ये अभी नया पार्टी हम लोग ने स्थापन किया है, बेसिकली जस्ट फॉर मुंबई। सो सर के मैं प्रॉमिसेस आपको बता देता हूँ, हम लोग के पार्टी के बेसिकली मेन विजन ये है, ट्विटर पे बकचोद लोगों को बैन करेंगे। आप ट्विटर पे हो? नहीं सर, बट आपको पता है सोशल मीडिया पे क्या चलता है ना? बहुत लोग अपना बकचोदी करते रहते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं, हेटरेट फैलाते हैं, वो उन लोग को सीधा बैन है ना। मुंबई में ठंडी लाएंगे, ये काम आप हम पे छोड़ दो। आपको पता है गर्मी कितना रहता है मुंबई में, आप भी भीग गए हो यहाँ पे, पीछे से भीग गए। तीसरा, नवी मुंबई से मुंबई जो आ रहा है उनका पासपोर्ट वेरिफिकेशन करवाएंगे, क्योंकि वो नवी मुंबई है, ये मुंबई है ना? तो मुंबई कर्स अलग है, नवी मुंबई कर्स अलग है, वो क्लासिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। आप कहाँ के हो सर? आप गोवंडी का हूँ। गोवंडी, गोवंडी ना, हाँ। बट आप एग्जैक्ट नवी मुंबई नहीं हो गया, हाँ आप मुंबई कर ही हैं। नवी मुंबई से जो आएंगे ना वो कूल बनते हैं बहुत ना, तो नवी मुंबई कर को पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा मुंबई में आने से पहले। ये रूल हम लोग पहले ही, सबसे पहला अगर हम लोग का कैंडिडेट जीत के आएगा तो पहला ये रूल लगेगा। और एक और इसमें हम लोगों ने मेंशन किया नहीं है, कटरीना कैफ के साथ एक मीटअप कराएंगे, क्योंकि वो हम लोग की फेस है। ऑल इंडिया कटरीना मूल सेक्युलर पार्टी है हम लोग का ये। आपको क्या लगता है, आप बता दो ना, ये 3 मुद्दों पे आपका क्या मतलब ओपिनियन है? सबसे पहला तो सर जो ट्विटर का है ना, सबसे अच्छा चीज है। हाँ, उसके बाद मुंबई में ठंडी लाएंगे। अभी आप मुझे बताओ ये साल कुछ ठंडी था, कुछ लगा आपको? लग रहा सर एग्जैक्टली इस बार सर आए वोट करके, मतलब अगर हुए तो अगले साल ठंडी देखना मुंबई। हाँ, तो आप हम लोग का चिन्ह मत भूलना, स्क्विंट स्क्विंट कटरीना को, ठीक है? इंस्टाग्राम पे जो न्यू बनते ना कूल रील्स, उनके ऊपर कुछ बनाइए सर। क्या आपको क्या चाहिए आपको, आप बताओ। जैसा नहीं कि छपरी लोग जो वीडियो बनाते हैं, जो अच्छे क्या रहते, जो कलाकार रहते उनको नहीं मिलता है। हाँ सही बोले आप, सही बोले। ये जरा लिख लो भाई,
ये अपने मीटिंग में डिस्कस करेंगे आज। सर आप बस याद रखना और वोट करना सर, हम लोग अभी और भी लोगों से मिलना है आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, मिलते हैं, वोट करना मत भूलना। थैंक यू। नमस्ते बाबा जी, बस आपसे दो मिनट बात करनी है, बैठू। हम लोग का एक पार्टी है, ठीक है, मैं ये पार्टी का अध्यक्ष हूँ और ये मेरे पीए जोरदार मुठमारे जी। तो हमारे पार्टी का नाम है रेव पार्टी ऑफ इंडिया, रैंडम एसोसिएशन ऑफ वर्चुअल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, और इसका चिन्ह है ये सिगरेट। तो हम लोग प्रॉमिस क्या कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ मोटा मोटा, ठीक है। मेकिंग सेकेंड मैरिज कंपलसरी फॉर एवरीवन, मतलब दूसरा शादी सबके लिए कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि एक ही आदमी के साथ या फिर औरत के साथ सब कुछ बांट के आदमी इतना खुश नहीं रहता। जो बहुत सालों से चलता आ रहा है जरूरी नहीं है कि सही है, तो थोड़ा हम लोग बेसिक्स में चेंज ला रहे हैं। दूसरा प्रॉमिस क्या है, 50% डिस्काउंट ऑन माल, माल पता है ना, हाँ, तो उस पर 50% डिस्काउंट मिलेगा। अभी जो रेट में मिल रहा है माल, उससे 50% डिस्काउंट में मिलेगा आपको माल। 50% डिस्काउंट ऑन रेव पार्टीज, वो रेव पार्टीज पता है सब होते हैं, वो बीच पे होते हैं, वो टिक 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 टिक। अगर आप रेव पार्टी में जाओगे तो आपको एकदम ऐसे रिलैक्स फील होगा, एकदम फुल एंजॉय करोगे आपको बीच पे, और ऐसे मस्त सनसेट सनराइज हो रहा है और एकदम ट्रांस म्यूजिक बज रहा है और आप माल फूक रहे हो, ये सब एकदम एकदम आनंद ही आनंद होगा। तो उस पर भी हम लोग 50% डिस्काउंट देने वाले। और इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है, इट विल कम वंस इन अ ईयर, मतलब साल में सिर्फ एक बार इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा। क्यों? क्योंकि रैंडम एसोसिएशन ऑफ वर्चुअल इलेक्ट्रॉनिक्स, समझ रहे हो ना आप? कैसे लगे पहले बता दो, प्रॉमिसेस के बारे में आपको क्या लगता है, हम लोग जो करने वाले हैं आपके लिए फायदेमंद होगा कि नहीं होगा? ये ठीक है, सेकेंड मैरिज ठीक है ना, वो तो कंपलसरी होना ही चाहिए। तो कब से यार मैं बोल रहा हूँ, बट कोई नेता जी कोई सुन ही नहीं रहे। अभी आप भी शादीशुदा है? अभी नहीं, ठीक है, फिर भी दो बीवी आपको, आप ख्वाब रख सकते हो ना। और इसके बारे में बताइए क्या लगता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी एक साल में एक ही बार आएगा? एक महीने का 1000 आता है, उसमें साल का आएगा कितना, 12? नहीं नहीं, आपको एक ही महीने का बिल आएगा। सो बेसिकली 11 मंथ्स का डिस्काउंट दे रहे हैं सर? यस, क्योंकि रैंडम एसोसिएशन ऑफ वर्चुअल इलेक्ट्रॉनिक्स, समझ रहे हो? आपके क्या और डिमांड्स है? डिमांड एक ही था, क्या पहला सेकंड? दो शादी वाला तो हो जाएगा अगर आप सर को वोट करेंगे तो। यस, और हम लोग का चिन्ह है ये सिगरेट, जलता हुआ सिगरेट, ठीक है, बुझा हुआ नहीं, क्योंकि रेव पार्टी में हम लोग सिगरेट जलता हुआ ही पास करते हैं। यस, चलो थैंक यू बाबा, पैर पड़ता हूँ आपको, याद रखना बस, ठीक है। मस्करी करते ठीक है, पॉलिटिशियन वगैरह नहीं है, सगळं खोटं आहे, माझा मित्र तिकडून शूट करते, आम्ही एक व्हिडिओ बनवतोय। हेलो गाइस, सो वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। यस, ये वीडियो पे 10,000 लाइक्स है हम लोग को गाइस, अभी इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन का माहौल है, वोट करना मत भूलना। ये पूरे 19 अप्रैल से पूरे इंडिया में वोटिंग शुरू हो रहा है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज व्हाई नॉट।